सारे भाण भाइयों ने राम राम भाई। मैं थारा भाई नरसिंह प्रतापत सिवानी थम देख ला रहे हो NPS न्यूज़। भी NPS न्यूज़ ना करे कन्फ्यूज़। आज फिर अपनी टीम गौ माता शक्तिपीठ गेंडावास में आई है और आज यहाँ पे गुरुजियों की बरछी है, पांचवी बरछी मनाई जा रही है परम पूजनीय गुरु कृष्ण स्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज की, और बहुत ही आदरणीय साधु संत जी हमारे साथ आए हुए हैं। तो बहुत ही विशाल भंडारा भी रखा गया है यहाँ पे। मैं कैमरामैन से कहूँगा अगर पूरा घुमा के दिखा दे, पूरी साध संगत यहाँ पे आई हुई है हजारों की संख्या में, और गुरुजी हमारे साथ हैं। इनके विचार ले वांगे तो आप वीडियो ने ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दियो भाई, आगे से आगे वीडियो पहुँचाइयो। तो गुरुजी बैठे हैं हमारे साथ, रामगिरी जी, तो गुरु रामगिरी जी हमारे साथ हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा रजिस्टर कर ले भाई। ओम नमो नारायण गुरु जी। तो गुरु जी आज गुरु महाराज की पाँचवीं पुण्यतिथि पर आप यहाँ पर पहुँचे हो, हमारे चैनल के माध्यम से साध संगत को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं पकड़े रखूँगा जी। हम साध संगत आवाज़ साध संगत को ये संदेश देना चाहते हैं कि संतों की भूमि है हरियाणा, बाहर देश, और बहुत संतों के संदेश बहुत लाभदायक हैं। संतों के जैसे कुछ महापुरुष बहुत हुए हैं, सब ने हर जीव का कल्याण कराया। सतगुरु अवतार लेकर आते हैं बार बार, जीवों का कल्याण करते हैं, युग युग को अंदर आते हैं, और संतों की वाणी सुन के जीवों का कल्याण हो जाता है। सत्संग, सत्संग की महिमा गुरु जी ने बहुत ऊंची लिखी है। सत्संग जैसी कोई जीवन में है ही नहीं कोई चीज़। तो गुरु जीयों ने यानी कि सत्संग की महिमा को अपरंपार बताया। महाराज जी ने कहा कि सत्संग की महिमा का पार नहीं पाया, इनसे भी हम मिलेंगे, बार बार समय समय पर मिलते रहते हैं। आज बड़े भाग है हमारे पीछे। तो सुखदेव नाथ जी, आदेश गुरु जी। तो जी आज गौ माता शक्तिपीठ गेंडावास में आप भी पूछे हो, आपका हार्दिक स्वागत है। क्या संदेश देना चाहोगे साध संगत को हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, हमारे जो ग्रंथ हैं, वेद हैं, उनमें सबसे ज़्यादा महिमा गऊ की, गंगा की और गायत्री की है। अगर गऊ की रक्षा होगी, गंगा की होगी सफाई, और गायत्री की का प्रत्येक घर में उच्चारण होगा, यजन होंगे, तो हमारी संस्कृति बचेगी, हमारी संस्कृति को बल मिलता है इस प्रकार के अनुष्ठानों से। इसलिए जब 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 आपदा पड़ती है तो हमारे यहाँ संतों ने यज्ञ हवन और ये धार्मिक अनुष्ठान करने का माध्यम बनाया है, जिससे कि जनता में सुख शांति आती है और हमारे जो पुराने रीति रिवाज हैं उनका संरक्षण और संवर्धन होता है। और ये जो हमारी गौशाला के संचालक हैं, जो भी ये कमेटी है, ये धन्यवाद की और साधुवाद की पात्र है कि इस प्रकार के कार्यक्रम ये प्रतिवर्ष करवाते हैं। मैं संपूर्ण नाथ संप्रदाय की तरफ से और हमारी मुख्यपीठ गोरखपीठ की तरफ से इस कमेटी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और सभी आए हुए साधु संतों के चरणों में प्रणाम करता हूं। आदेश, ओम शिव। बहुत बहुत धन्यवाद है गुरु जी का, संस्कृति बचाने के लिए बहुत बड़ी बात जो है गुरु जी ने कही है। तो हमारे गौ माता शक्तिपीठ का नील गोयल, भोजन मनाया गया था लेकिन 1500 आदमी भोजन छक गए हैं। श्रेणीवास धाम से भी यात्री आने जाने वालों ने यहाँ पर भोजन कराया है। तो मैं एक बार कैमरामैन से कहूंगा, दिखाऊंगा भंडारे की तस्वीर भी आपको, बहुत अच्छे तरीके से मतलब यहाँ भंडारा बनाया गया। साथ संगत भी हमारे साथ हैं, इनके विचार लेवांगे हम। तो आज और बहुत से मतलब गुरु जी भी यहाँ पर आए हुए हैं, डॉक्टर इंद्र सिंह पुनिया जी भी हैं, पहुंचे इनके विचार लेवाए। जय गौ माता की जी। तो गौ माता शक्तिपीठ में आए हो डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा आनंद आ रहा है, ऐसा आनंद आ रहा है, बहुत खुशी मिली, बहुत खुशी मिली, बहुत अच्छा आनंद आ रहा है, बहुत अच्छी पार्टी है, भगवान के भजन चल रहे हैं, गौ माता के भजन चल रहे हैं, बहुत ही आनंदमय क्षण है, तय दिल से खुशी है। पार्टी का धन्यवाद करते हैं, गौ माता ने आशीर्वाद बनाए रखे। जय गौ माता। बहुत बहुत धन्यवाद है डॉक्टर साहब का भी। डॉक्टर साहब भी बता रहे हैं कि बहुत ही अच्छी पार्टी भी आई हुई है। तो बैठे बुजुर्ग इनसे बात करेंगे अभी। ओम नमो नारायण जी। भाई जी, कौन सा काम है जी? मेरा काम बाड़ू है जी। बाड़ू है जी, जी। सत्संग सुन के आनंद आ रहा है, बहुत बढ़िया। गौ माता शक्तिपीठ गेंडावास में पूछो, कैसा मतलब प्रसाद लगे आपको भंडारे का, कैसा सत्संग? बहुत बढ़िया जी, गौ माता में 33 फुट देवता वास करा, बिल्कुल करा था जी। और बाकी गौ माता का भंडारा और केला का सबसे बड़ी बेस्ट चीज है, बहुत बढ़िया इसका गौ माता का प्रसाद तो बहुत बहुत भाग रहा, किसी भाग्य चल रही आदमी ने मिला, सबने थोड़े मिला हो तो भाई। ऐसे ऐसे बुजुर्ग की बात बहुत ही कम सुनने को मिला है, तो ताऊ जी के भी हमने दर्शन करे, और माता बहन भी बहुत तादाद में आ रही है, बात करांगे कोई माता बहन बोलने वाली है तो आ जाओ भाई, कैमरामैन से मैं कहूँगा एक बार आ जाओ, बात करांगे। ओम नमो नानक कह दो जी, ओम नमो नानक कह दो।
ओम नमो नानक कह दो। ओम नमो कैसा लगा भंडारे का प्रसाद? गुड़गांव से आ रहे हो? भंडारे का प्रसाद लिया है? नहीं। अच्छा, गुड़गांव झाड़ा लगाने खातर गए थे? वहाँ गए थे, झाड़े लगवा के आए थे। अच्छा, झाड़े में कितनी सिंचाई आराम आता है? झाड़े से आता है आपका आराम है? तो भाई झाड़े को लेकर बड़ी बात कह दी है माता बहना, ये झाड़ा लगवा करके यहाँ पे आई, इनका आराम है। तो भाई वीडियो को ज्यादा शेयर कर दियो। मैं थारा भाई नरसिंह प्रजापत शिवाई, सारे बन भैया ने राम राम।